खंडेरा, तुम जानते हो तुमसे बहुत बड़ी गलती हो सकती थी खंडेरा। ऐसे प्रजा के घरों पर हल नहीं चला सकते तुम। वो तो नसीब अच्छा था, वहां लोग आ गए, बात बदल गई, नहीं तो मुझे मजबूरन सबके सामने तुम्हें रोकना पड़ता। जरा सोचो क्या इज्जत रहती तुम्हारी। खंडेरा, युवराज हो तुम, बहुत संभल कर कदम उठाने पड़ेंगे तुम्हें। तुम जिस गद्दी के वारिस हो, न जाने कितने लोगों की नजर टिकी है उस पर, न जाने कितने लोग उसी मौके का इंतजार कर रहे हैं। बस तुम्हारी एक भूल और हम सबका भविष्य हिल सकता है, इसलिए सावधान रहना होगा। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि एकदम से इतना सब कुछ अच्छा हो जाएगा मेरे साथ। होलकर महल में काम करूंगी तो कोई मुझे चोर की बेटी भी नहीं बोलेगा, और ये सब आपके वजह से हुआ है छोटी सुनबाई। नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया, ये सब तो सासू माँ ने किया, उन्होंने ही तुम्हें काम पे रख लिया, और उस वजह से मुझे भी एक नई सहेली मिल गई। साजा, अब तो हम रोज रोज मिलेंगे ना, है ना? मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी सासू माँ कब क्या सोचती है मुझे कुछ समझ नहीं आता, पर अब तो मुझे सब समझ में आ गया। सासू माँ ना बिल्कुल नारियल जैसी है, बाहर से एकदम कड़क पर अंदर से बहुत नरम। फिर भी मैं तो आपको ही मानती हूँ। अगर आप हमारे लिए प्रसाद लेके नहीं आती तो उपले बेचने वाली बात नहीं होती, फिर मैं रानी साहब से कैसे मिलती। आपने हमारे लिए इतना कुछ किया, पर मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसे किसी नहीं कर सकती, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है देने को, है ना? उस दीवार के पीछे सारजा, तुम मुझे पेड़ से कच्चा अमरूद तोड़ के दोगी? वहाँ ना बहुत सारे अमरूद है, जहाँ महल में तो कोई कच्चा फल नहीं खाता। और पता है, मैं ना जब अपने गांव में थी ना, तब सबसे पहले मैं पेड़ पे चढ़ के कच्चे फल तोड़ के ला दी थी, तब साड़ी नहीं पहनती थी ना, इसलिए। बस इतनी सी बात, मैं अभी ले आती हूँ, लेकिन रास्ता कहाँ से? वो देखो, वो वहां से जा। उसका धन्यवाद करना भूल ही गई, मैं भी उनसे मिल के आती हूँ। तुम फिर यहाँ आ गई, और आज कोई व्रत है जो बगीचे से फल चुराने आई हो? ऐसा नहीं, आप गलत सोची, मैं तो आंखों से देखकर भी हम गलत समझ रहे हैं। अच्छा, और तुम तो बड़े संस्कारी परिवार से हो, नहीं? ना झूठ ना चोरी। बहुत हो गया, आज ऐसा सबक सिखाएंगे जीवन भर याद रखोगे। चल चल, मेरा हाथ छोड़ो, मैंने कुछ नहीं किया। रानी सरकार, मेरी बात तो सुनो। सिपाही, रानी तुम लोग करते क्या हो? दिन दहाड़े महल में चोर घुसाते हैं और किसी को खबर ही नहीं। मजली आई साहब,
सरजा चोरी करने नहीं आई है, सासू बाई ने खुद उन्हें काम दिलवाया है। मैंने इनको कहा, लेकिन रानी सरकार ने माना ही नहीं। आने वाली बात हो तब माने ना। जिस लड़की को एक दिन पहले अक्का साहब ने बाहर का रास्ता दिखाया हो, उसी को आज काम पर रखे, हो ही नहीं सकता। हो गया मजलियाई साहब, सासू बहने ना काका से बोलकर सरजा को काम दिलवाया। उन्होंने काका से कहा कि सरजा को मालिन काके के पास ले जाओ, है ना काका? जी। अब सर झुकाए क्या खड़े हो, जाओ अपना काम करो। आपने अपनी मनमानी कर ही ली, बड़े सरकार की तरह अक्का साहेब पर भी घुमा दी अपनी जादू की छड़ी। अब और क्या क्या करने का इरादा है? नहीं, कुछ नहीं। नहीं? क्यों नहीं? शुरुआत तो आपने कर ही दी है, एक एक करके अपनी तरह के लोगों को भर्ती करवाते रहना। होलकर हवेली ना हुई, धर्मशाला हो गई। पता चलने पर कि कोई चोर है, फिर तो धर्मशाला में भी जगह नहीं मिलती। पर आपने देखा, हाँ देखा आपने, देवी अहिल्या का चमत्कार। एक चोर की बेटी को हवेली में शरण दिलवा रहे, वाह सरजा। जाओ यहां से। अपनी तरह के लोग, मतलब आपका मतलब उसकी औकात से था ना? आप एक बात भूल रही है द्वारका बाई साहेब, अहिल्या इस राज्य की होने वाली रानी है। बाहर वालों के सामने आप उसका अपमान नहीं कर सकते। अहिल्या से उसके औकात की बात करके आपने सिर्फ उसका नहीं, मेरा, खंडेराव का और बड़े सरकार का अपमान किया है। अपनी जबान को काबू में रखिए जरा, फिर से अगर ये भूल हुई तो हमें बड़े सरकार से आपकी शिकायत करनी पड़ेगी। अक्का साहेब माफ कीजिए, लेकिन उस चोर की बेटी को महल में देखकर हमें फिक्र हुई, इसलिए बस आज से हमारे महल की सेविका है वो, उसे चोर की बेटी कहना बंद कर दीजिए। अहिल्या चलिए यहां से। जिस लड़की का नाम सुनकर अक्का साहेब की भवे तन जाती थी, आज वो उसी का साथ दे रही है।
करेले में अचानक शहद की मिठास कैसे आ गई? अहिल्या तो सचमुच जादू करने निकली। इस मिठास को हम बढ़ने नहीं देंगे। बड़े सरकार के साथ साथ अगर अक्का साहेब भी अहिल्या का साथ देने लग गई तो अहिल्या को रोकना मुश्किल हो जाएगा। खंडेराव कुछ समय में आते होंगे। खंडेराव अभी रियाज कर रहे हैं। जी। जिस दिन मुझे जोर से भूख लगती है उसी दिन देर क्यों लगाते हैं छोटी सी विदाई जी? जब तक वो नहीं खाएंगे मुझे भी खाने को नहीं मिलेगा। अहिल्या के लिए भी थाल लगाइए। खंडेराव से पहले? हाँ, ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन अहिल्या ने रात से कुछ भी नहीं खाया है और मैं इतना तो जानती हूँ कि अहिल्या भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती। सच में सासू भाई, मेरे पेट में ना बड़े बड़े चूहे कूद रहे हैं। आओ बैठो। महादेव जी, आज फिर से तीखा वाला खाना कैसे खाऊंगी? सारा दिन आज तुम्हारे कारण भाग दौड़ में ही निकल गया। मैं तो देख ही नहीं पाई कि खाना तुम्हारे हिसाब से बना भी है या नहीं। इसलिए आज का खाना मक्खन और शक्कर के साथ खाना है, लेकिन धीरे धीरे तीखा खाना खाने की आदत डालनी पड़ेगी तुम्हें। ये क्या हो गया? ये खरोंच कैसी? सासु भाई, वो सरजा की टोकरी टूटी हुई थी ना, तो वो हाथों में चुभ गई। सासु भाई, आप अपने हाथों से खाना खिलाओगी मुझे? हाँ, खिलाना तो पड़ेगा, वरना तुम भूखी रह जाओगी ना। अब क्या हो गया? सासु भाई कुछ नहीं, बस हमेशा खाना खाते समय ना मुझे अपने आई की याद आती है, पर आज नहीं आई मुझे। आप हो ना मेरी आई की जगह। आई की याद नहीं आई बोलकर याद तो अभी भी आ गई तुम्हें। भाई, आप मुझे नहीं खिलाओगे तो भी चलेगा, मैं अपने हाथों से खा लूंगी। वैसे भी खरोच छोटी सी तो है। खंडेराव के लिए भोजन परोसो। सासू भाई की जगह आई बोलो।
नहीं, मैं तुम्हारी सासुबाई हूं, आई नहीं। आई आई होती है, बहुत अंतर होता है सासुबाई में और आई में। और मैं तो हमेशा तुम्हें डांटती रहती हूं ना, तुम्हारी आई कहां तुम्हें ऐसे डांटती होगी। नहीं सासुबाई, आपको पता नहीं है, मुझे ना मेरी आई से भी बहुत डांट पड़ती थी और मार भी। फिर भी सुधरी नहीं ना तुम। पता है, मेरी आई भी ना मुझे ऐसा ही बोलती थी। अहिल्या की मासूमियत ने अक्का साहब का दिल पिघला ही दिया। भगवान करे अब ये रिश्ता ऐसे ही मक्खन और गुड़ की तरह मीठा बना रहे। भोजन शुरू होते ही तुम सबको यहाँ आने की अनुमति नहीं है, कितनी बार बताना होगा ये? माफ कीजिए रानी साहबा, कुछ जरूरी सूचना देनी थी। रंगराव जी आए। दरबार में बिठाइए, छोटे सरकार का खाना हो जाएगा, उसके बाद वो उनसे मिलने आ जाएंगे। जी रानी साहब। आई, किसे मिलना है हमें और कौन है ये रंगराव? बड़े सरकार के विश्वास पात्र गुप्तचर, ऐसा व्यक्ति जो महल में किसी भी समय आ सकता है बिना किसी रोक टोक के। उनका आना मतलब बहुत जरूरी खबर होगी उनके पास। हमेशा तुम्हारे बाबा साहेब, गंगोबाजी और तुकोजी ही मिलते हैं उनसे, लेकिन आज तीनों भी नहीं हैं, इसलिए तुम मिलोगे उनसे। राजा रानी की कहानी में गुप्तचर लोगों के बारे में तो सुना है, पता नहीं देखने में कैसे लगते। वो रंगराव है ना? और राज की बात उसी को पता चलनी चाहिए जिसे ये पता हो कि समस्या से निपटना कैसे है। और जब ऐसे होगा रानी सरकार, तो बड़े सरकार को भी मानना ही पड़ेगा कि उनके यहाँ ना होने पर एक ही इंसान है जो सब कुछ करने के लायक है, वो है आपके जावई साहेब गुणोजी राव। हरकुबाई साहेब, आप अहिल्या को अपने साथ ले जाइए, खंडोबा नवरात्रि की तैयारी शुरू करनी है, सारे रीत रिवाज इसे अच्छी तरह से समझा दीजिए। जी अक्का साहेब। नवरात्रि के पहले दिन खंडोबा देव को भोग में 5 पकवान चढ़ाने होते हैं और ये सारे पकवान घर की बहू ही बनाती है। हाँ, अब ये कब बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, ये सब छोटी सासुबाई तुम्हें समझा देगी। खंडोबा नवरात्रि की सारी जिम्मेदारी हमने अहिल्या को देने का सोचा है। अहिल्या, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, कोई चूक नहीं होनी चाहिए। मैंने तुम्हारी बात मानकर तुम्हारी इच्छा पूरी की है ना, अब तुम्हें भी अपना कर्तव्य निभाना होगा। हाँ सासू भाई, मुझे ना कोई भूल नहीं होगी, मैं अपना काम इतना अच्छे से करूंगी कि आप ना मुझे दौड़ के गले लगा लोगे। देखते हैं। सुनो, द्वारका बाई साहब से कह दो कि खंडोबा देव के लिए नए जेवर लेके सोनार आ रहे हैं, वो भी मेहमान कक्ष में आ जाए। और तुम रंगराव से मिलाओ, लेकिन ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जी अक्का साहब। और इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए अनुभवी दिमाग
और मजबूत इरादों की जरूरत होती है, है ना अक्का साहेब? रंगराव के आने की खबर मिली हमें तो हमने सोचा कि जावे साहेब गुनोजी अगर उनसे बात करें तो बेहतर होगा। खंडेराव को अभी इन सियासती बातों का अनुभव कहाँ? हाँ, अनुभव तो नहीं है पर अनुभव से ज्यादा महत्व पद का होता है। और आप भूल रही है द्वारका बाई साहेब, बड़े सरकार ने ये पद खंडेराव को दिया है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं अक्का साहेब, बस रंगराव का आना मतलब बात जरूर गंभीर है, इसलिए कहा हमने। जावे साहेब गुनोजी खंडेराव से उम्र और तजुर्बे में बड़े हैं और कोई गैर तो नहीं, हमारे ही परिवार का हिस्सा है। हाँ गुनोजी साहेब तो हमारे लिए भी बेटे समान ही हैं, हमारे हृदय में भी उनके लिए उतना ही स्नेह है। लेकिन लाड दुलार और राजपाट के नियम दो अलग बातें हैं। और रही बात तजुर्बे की, तो राजा की उम्र भले ही कम हो, उनके दरबारी उम्र में बड़े और अनुभवी होते हैं। इसलिए युवराज खंडेराव को गुनोजी सरदार की जरूरत हमेशा रहेगी, आप चिंता मत कीजिए। और रंगराव से मिलकर खंडेराव जो भी फैसला करेंगे उस पर अमल करने की जिम्मेदारी गुनोजी साहेब को ही मिलेगी। तब तक आप यहीं बैठिए, आराम कीजिए, आपका अपना घर है। जी मगर माफ कीजिएगा, फैसले का इंतजार तो हम अपने घर पे भी कर सकते हैं। अभी आए थे चौड़ी से, रंगराव के आने की खबर मिली तो यहां आ गए। खैर जो भी संदेश होगा हमें भिजवा दीजिएगा हमारे घर पे। द्वारका भाई साहब, सुनार आ रहे हैं, खंडोबा देव के लिए दागिने आपको ही पसंद करने हैं, चलिए। हम भंडारगृह में चलते हैं, पूजा की सामग्री वही है। छुट्टी आई अब चलो, मैं अभी आती हूँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी, देर नहीं करूंगी पक्का। हाँ लेकिन कहाँ जा रही हो? वो मैं आपको आके बताती हूँ। ठीक है। गुनोजी सरकार ने कहा है आप सब यहाँ रह सकते हैं, साफ सफाई में कुछ समय लग गया उसके लिए माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, आप सबने आते ही इतनी मेहरबानी की मुझ पर, रहे ना हमारी घर। क्या खबर लाए हो आप?
आज आपको हमसे ही बात करनी है। जो भी कहना है बेझिझक कहिए, हमारी बातें सुनने वाला कोई भी नहीं है यहाँ पर। मुझे तो बस एक बार देखना है कि गुप्चर दिखता कैसे, फिर मैं वापस भंडार के लिए चली जाऊंगी। सूचना मिली है निजाम की सेना मालवा में घुसपैठ करने की तैयारी में है। उनके कुछ गुप्तचर हमारे मालवा प्रांत में दाखिल हो चुके हैं। वो लोग कितनी संख्या में हैं, किस दिशा से मालवा में आए हैं, किस बेस में, किस अवतार में हैं, इसके बारे में अभी तक कुछ सूचना नहीं मिली है। लेकिन हमारी कोशिश जारी है, बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा हमें। दुश्मन के गुप्तचर मतलब वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। और ऊपर से बड़े सुपिता जी भी नहीं है यहाँ। जब कुछ पता ही नहीं है हमें तो हम कैसे पहचानेंगे उन गुप्तचर को? आपके हिसाब से कहाँ होंगे वो सब लोग? कहीं भी हो सकते छोटे सरकार, हमारे आसपास, हमारे बीच, शायद हमारे सामने भी आ जाए। लेकिन आपका कहना सही है कि उन्हें पहचान पाना मुश्किल होगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.